और मैं चला जा रहा था। मैंने अपने जहन को हर नतीजे के लिए आज़ाद छोड़ दिया था। हवास पर नीली धुन छा रही थी, मगर मैं इस धुन को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। इन लम्हों में टांग का दर्द किसी दूर उफ्तादा बाजगश्त की तरह सुनाई देता था। और फिर फैसला कुन लम्हा आन पहुँचा। मुझे नारियल के खोलों में जले हुए कई चिराग नज़र आए। उन चिरागों से कुछ फासले पे नीम तारीकी में कोई स्याह वजूद मौजूद था। मेरे दिल ने गवाही दी कि यह लारसी साहरा मुनाबा का वजूद है। वो एक पत्थर से टेक लगा इस तरह बैठी थी कि उसकी दोनों टांगें अंग्रेजी हर्फ वी की शक्ल में फैली थीं। मैंने ज़रा गौर से उसकी सूरत देखी और सरतापा कांप गया। मुनाबा की चमकदार स्याह जिल्द हल्के ब्राउन रंग में तब्दील हो चुकी थी, बस कहीं कहीं बदनुमा स्याह निशान बाकी रह गए थे। वो जिंदा थी, लेकिन उसका जिस्म एक फूली हुई मुताफन लाश की तरह दिखाई देता था। टांगें, बाजू, पेट, गर्ज हर शय फूली हुई थी, और यूं महसूस होता था कि जिल्द में कहीं कहीं क्रैक्स भी मौजूद हैं। मुनाबा के करीबी मुझे वो दो कुत्ते भी नज़र आए जो चंद दिन पहले हमने गुफा के दहाने पर देखे थे, और जिन्हें देखने के बाद बड़े पुजारी ने यह गलत नतीजा खस किया था कि मुनाबा गुफा में मौजूद नहीं है। मैंने एक बार फिर गौर से मुनाबा की तरफ देखा। मुनाबा के चेहरे पर सबसे खौफनाक शय उसकी बाहर को उबली हुई आंखें थीं। उसकी आंखों के डेले टेबल टेनिस की दो गेंदों की तरह उसकी भवों के नीचे रखे थे। मुझे यूं लगा कि टेबल टेनिस की ये बॉलें मुझे देख रही हैं। जहन में छाई हुई नीलगू धुंध गहरी होती चली जा रही थी। मुझे जंगल की आग और इस आग में अपना गिरना याद आ गया। शायद एक बार फिर मेरे हवास इसी तरह जवाब देने वाले थे। मैंने अपनी तमाम तर कुव्वत इरादी को जमा किया और राइफल करूँ उस मनहूस वजूद की तरफ कर दिया जिसका नाम मुनाबा था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं इसको शूट कर सकूंगा या नहीं, मगर मैं ये काम ज़रूर करना चाहता था। मेरे कानों में बड़े पुजारी के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे। मरने से पहले उसने कहा था कि मुनाबा को मारने के लिए उसकी शहरक को निशाना बनाना ज़रूरी है। मेरा निशाना मुनाबा की शहरक थी। इससे पहले कि मैं ट्रिगर दबाता, अचानक चंद वजूद मुझसे और जरी से चिमट गए। मेरी राइफल का रुख छत की तरफ हो गया। मैंने आंखें फाड़ कर देखा। मुझसे चिमटे हुए अफराद से आफाम थे। उनके कवि हैकल जिस्मों पर लिबास का एक तार नहीं था। और फिर मेरी निगाह उनमें से दो अफराद के जबड़ों पर पड़ी। ये गैरमामूली तौर पर चौड़े जबड़े सिर्फ और सिर्फ मनियामियों के हो सकते थे, वही मनियामी जो इंसान होते हुए भी जानवरों से बढ़कर खूंखार थे। दो नंग धोड़ंग मनियामी आदमखोर मुझसे और दो जरी से लिपटे हुए थे। उनके हलक से जंगली दरिंदों की सी गुर्राहटें बुलंद हो रही थी। मेरे जिस्म में चिंगारियां सी भर गईं। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ पांव मशीनी अंदाज में हरकत में आ गए हैं। मैंने अपनी गर्दन को मनियामियों के मोहलिक दांतों की जद से बचाते हुए उन्हें ज़ोरदार ज़रबे लगाईं। चार पाँच सेकंड के अंदर एक मनियामी मुझसे अपनी गर्दन तुड़वा बैठा और दूसरा इतनी ज़ोर से पथरीली दीवार के साथ टकराया कि उसका सर नारियल ही की तरह फट गया और उसके मगज़ का कुछ हिस्सा दीवार से चिपका दिखाई दिया। इस मुख्तसर लड़ाई के दौरान में मैंने चीख कर जरीगुल को भी खबरदार कर दिया था कि मद्दे मुकाबिल आम हबशी नहीं बल्कि मनियामी हैं, और वह ख़ुद को उनके दांतों से बचाए। इस इत्तला के बावजूद जरी के बाजू की सुर्ख सुर्ख बोटी मुझे एक मनियामी के दांतों में नज़र आई। वो अगला वार यकीनन जरी की शहरक पर करता, मगर उससे पहले मेरे हाथ में पकड़ी राइफल ने शोला उगला और मनियामी अपने सर में गोली का सुराख लेकर नारियल के चिरागों पर गिरा और अपने साथ दो चिराग भी बुझा गया। चौथा मनियामी उरिया हालत में ज़मीन पर बुरी तरह लोटपोट हो रहा था। जरी ने उसके जिस्म के किसी नाजुक हिस्से पर कारी ज़र्ब लगाई थी और उसे जाँ बल्लब कर दिया था। मेरी राइफल बड़ी मजबूती के साथ मेरे हाथ में थमी थी। मैं इस पोजीशन में था कि फूली हुई जिंदा लाश को शूट कर सकूं। लेकिन एक बार फिर मुझसे वही गलती हुई जो मैं नहीं करना चाहता था। गैर इरादी तौर पर मैंने मुनाबा की उबली हुई आंखों में झांका। मेरे जहन में चकराती हुई नीली धुंध एक बार फिर अचानक गहरी हो गई। मेरे अंदर से कहीं एक दूर उफ्तादा आवाज़ आई कि शायद मैं हिप्नोटाइज हो रहा हूं। एक ताकतवर आमिल की तरगीब मुझे होशो हवास से बेगाना कर रही है। मैंने खुद को इस ट्रांस से निकालने की जहनी कोशिश की, लेकिन सब कुछ मेरे बस से बाहर होता चला जा रहा था। शदीद गुनूदगी के लम्हों में एक बड़ी अजीब बात हुई। मुझे यूं लगा जैसे नीम तारीकी में मेरे सामने मुताफन ज़्यादा लाश के बजाय एक खूबसूरत लड़की बैठी है। वो बेलिबास है। उसका हसीन बेदाग जिस्म, उसके दिलनशी खद्दोखाल, उसकी खुशबू, उसका दिलकश तबस्सुम, सभी कुछ मैंने बड़ी वजाहत से महसूस किया। मेरे अंदर से एक मस्त आवाज़ उभरी कि लड़की कोई और नहीं, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मता हयात है। ये वही है जिसके लिए मैं जीता हूँ और जिसके लिए मरता हूँ। ये वही है जिसकी कुर्बत की प्यास बरसों से मेरी रगे जामे बसी हुई है। ये गजाला है। मैंने डूबते जहन के साथ महसूस किया कि राइफल पर से मेरी गिरफ्त ख़त्म हो गई है। पुख्ता ज़मीन पर राइफल गिरने की आवाज़ जैसे मुझे सैकड़ों मील के फासले से आई।
मुझे लगा कि मैं नीम तारीकी में लिपटे हुए इस वजूद की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ। अचानक मेरी पुश्त पर किसी ने लाठी की ज़ोरदार ज़रब लगाई। मेरे जहन में गहरी होती हुई नीली धुंध एकदम छटने लगी। मैंने बेहद हैरत से देखा। मेरे करीब से साईं आली दौड़ता हुआ गुजरा। वो इस नीम तिरगी में पहुँचा जहाँ मुनाबा फूली हुई लाश की शक्ल में मौजूद थी। फिर मैंने साईं और मुनाबा को दो खूंखार हरीफों की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए देखा। साईं का यह वहशियाना रूप मेरे लिए बिल्कुल अनोखा और नाकाबिले यकीन था। दोनों एक दूसरे से उलझे हुए नशेब में गिरे। अचानक पूरा गार मुनाबा की कर्बनाक चीखों और धाड़ों से पत्ते की तरह लरजता महसूस हुआ। मैंने राइफ़ल की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई। राइफ़ल चंद कदम के फासले पर मौजूद थी। मैंने रपक कर राइफ़ल उठा ली। टॉर्च अभी तक मेरे दूसरे हाथ में मौजूद थी। मुनाबा की चीखों से अभी तक पूरा गार गूंज रहा था। मैंने टॉर्च का रोशन दायरा मुनाबा और साईं आली की तलाश में नशेब की जानिब फेंका। वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं चंद कदम आगे बढ़ा। चीखों की आवाज़ आनी अब बंद हो गई थी। यूँ लग रहा था जैसे मुनाबा के मुँह पर हाथ रख दिया गया है और उसके गले से खरर खरर की आवाज़ निकल रही है। अचानक टॉर्च की रोशनी में मुझे साईं आली की पुश्त नज़र आई। वो बड़ा खौफनाक मंजर था। मुनाबा एक फूली हुई मुताफन ज़दा लाश थी मगर ज़िंदा थी। साईं आली के साथ जद्दोजहद में उसका लिबास फट गया था। वो पुश्त के बल ज़मीन पर पड़ी थी। साईं उसके ऊपर चढ़ा बैठा था और पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन दबा रहा था। मुनाबा की आँखें पहले ही खौफनाक हद तक बाहर को उबली हुई थी। अब ये आँखें और भी भयानक हो गई थी। लगता था कि टेनिस की दो गेंदें उसके रुखसारों के ऊपर ही धरी हैं और किसी भी वक्त नीचे लुढ़क जाएंगी। मुनाबा की स्याही माल जुबान बाहर निकल आई थी और फिर देखते ही देखते उसके जिस्म ने झटका खाया और वो बेहिस हो गई। साईं ने अपने स्याह लिबादे के अंदर से खमदार खंजर निकाला और जुनूनी अंदाज में मुनाबा के शहरक पे पैर दर पैर कई वार किए। हैरतअंगेज तौर पर मुनाबा का बेहरकत जिस्म एक बार फिर तड़पा फड़का और उसने कर्बनाक चीखें बुलंद की। उसके बाद एकदम उसके जिस्म की खाल फटी और उधड़ती हुई महसूस हुई। स्याही माइल खून के लोथड़ उसके जिस्म से निकले और ज़मीन पर फैल गए। बू से हमें अपना दिमाग फटता हुआ महसूस होने लगा। मुनाबा की मस्क लाश की तरफ देखना भी मुहाल था। ऐसा महसूस होता था जैसे वो अब नहीं मरी, उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमने उसे जोर्डन बस्ती में लाश की सूरत में देखा था। इस दौरान में वो अंदर से गलती सड़ती रही है मगर बाहर से सलामत रही। हमारे बस में होता तो हम एक पल भी वहाँ ना रुकते। मुनाबा की लाश के दहशतनाक मंजर से निगाहें चुरा कर भाग निकलते। लेकिन साईं आली तमाम तर बदबू और कराहियत के बावजूद लाश के करीब मौजूद था और हमें भी रुकने का कह रहा था। साईं के चेहरे पर एक ऐसी जलाली कैफियत थी जिसे लफ्ज़ों में बयान करना दुश्वार है। ये कैफियत उसकी ऊँट पटांग शख्सियत से बिल्कुल लगा नहीं खाती थी। साईं के अकम में हमें चंद कटे हुए सर भी नज़र आ रहे थे। जिस तरह कुर्बानी के जानवर के सर को आग पर भुना जाता है, ये सर भी कुछ जले हुए दिखाई देते थे। मैंने एक ही निगाह में गिन लिया। उनकी तादाद 9 थी। गालिब इम्कान था कि ये उन्हीं 9 पुजारियों के सर हैं जो चंद रोज़ पहले गुफा के अंसाम में कत्ल हुए थे। मैंने और जरी ने दिल कड़ा किया और चंद कदम चलकर साईं के करीब पहुंच गए। जल्द ही मैंने महसूस किया कि मुनाबा के ख़त्म होते ही मेरा जहन उस असर से आज़ाद हो गया है जो मुझे हर तरफ से जकड़ता चला जा रहा था। हनूदगी की वो हालत भी अब नापैद थी जो 2 मिनट पहले तक मुझे बेबस किए हुए थी। 3 नंग धुड़ंग बनियामी आदमखोर दम तोड़ चुके थे। 4th जिस पर जरी ने ज़र्ब लगाई थी जानकनी के आलम में तड़प रहा था। साईं की आवाज़ गार में गूंजी। वो मुझे मुखातिब करके बोला, शफी मोहम्मद ये मर गई है लेकिन ये काबिले नफ़रत नहीं है। तुम जानते हो ये तुम्हारी साथी थी। इसने तुम सबके साथ मिलकर मुश्किलात का सामना किया। इसके साथ जो कुछ हुआ वो एक सानहा है। इसमें शायद हमारा अपना भी कसूर है। तुम क्या कहना चाहते हो साईं? कि अपनी क़ुव्वत इरादी के बलबूते पर मौत से ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। हम कह सकते हैं कि ये ज़िंदा होने के अमल से गुजर रही थी। इस अमल के एक नाजुक मरहले में उसे हमारी मदद की ज़रूरत थी लेकिन हम उसकी मदद ना कर सके। जिसकी जहाँ ये पहुँच चुकी थी वहाँ से वापस नहीं लौट सकती थी। ये भटक गई। नतीजा ये निकला कि हमें आज इस बाकमाल लड़की को अपने हाथों से मारना पड़ा। अब ये मर चुकी है मगर हम इसकी बिगड़ी हुई बरहना लाश को इस तरह यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। यहाँ के रिवाज के मुताबिक हम इसे ठिकाने लगाएंगे। क्या तुम इसे जलाना चाहते हो? हाँ। साईं ने इस बात में सर हिलाया और मुझे हिदायत की कि मैं कुछ दूर रखे हुए नारियल के चिराग उठा लाऊं। मैंने राइफ़ल और टॉर्च नीचे पथरीली ज़मीन पर रखी और नारियल के खोलों में जलते हुए 2 चिराग उठा लाया। साईं के इशारे पर 2 चिराग जरी भी ले आया। उन चिरागों में चर्बी का साफ किया हुआ तेल था जो इशारे से भड़क सकता था। साईं ने यके बाद दिगरे 4 चिराग लाश पर फेंक दिए। शोले तेज़ी से भड़के और उन्होंने आनन फानन
मस्क लाश को लपेट में ले लिया। बदबूदार धुआं बड़ी तेज़ी से गार में भरता चला जा रहा था। वहाँ ठहरना अब मुश्किल था। वो जगह छोड़ने से पहले मैंने नीचे झुककर उस चौथे मेनियामी को देखा जो कुछ देर पहले तक जानकनी में तड़प रहा था। उसे इस धुएं में छोड़कर जाने का मतलब उसे मौत के हवाले करना था। मैंने उसकी नब्ज़ टटोली। वो साकित थी। वो दाई अजल को लब्बैक कह चुका था। हम तकरीबन भागने वाले अंदाज में गार के दहाने की तरफ बढ़े। उसी वक्त बाहर से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। ये कैसा फायरिंग है उस्ताद साहब? मेरा ख्याल है कि गार से बाहर मौजूद ट्रस्टियों ने काम दिखाया है। अगर ऐसा बात है तो फिर हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें यहीं गार में रुक कर धुएं में दम पुख्त हो जाना चाहिए और फिर रोस्ट हो जाना चाहिए, मैंने जल कर कहा। हम एहतियात के साथ दहाने से बाहर निकले। कुछ फासले पर तारीकी में चिंगारियाँ सी छूट रही थीं। ये मंजर देखने से पहले ही हमें अंदाज़ा हो चुका था कि ये दो तरफा फायरिंग है। अब इसकी तस्दीक भी हो गई थी। अचानक एक तरफ से चंद साए बरामद हुए। अगर गौर से ना देखा जाता तो वो तारीकी का ही हिस्सा महसूस होते थे। उनके हाथों में राइफलें थीं। एक लम्हे के लिए तो यूँ लगा कि वो हम पर गोली चला देंगे। तहम इसी दौरान में साईं आली ने अपना नारा मस्ताना बुलंद कर दिया। साईं को पहचानते ही ना सिर्फ उन लोगों की राइफलें नीचे झुक गईं बल्कि वो खुद भी सबके सब सजदा रेज हो गए। ये कॉलोनी के ही लारसी जंगजो थे। एक मुतरजम के जरिए उन्होंने बताया, ट्रस्टी मुहाफिजों के साथ हमारी ज़ोरदार झड़प हुई है। उन लोगों ने इस गार के इर्द गिर्द घेरा डाल रखा था और किसी को उस जाने वाने नहीं देते थे। क्या नतीजा निकला झड़प का? 20 से ज़्यादा ट्रस्टी हमने मार दिए हैं, बाकियों को पकड़ लिया है, वो सीना फुलाकर बोला। इसका नतीजा ख़तरनाक भी तो निकल सकता है, मैंने उस लारसी जंगजू को टटोलने के लिए कहा। हम हर अच्छे बुरे नतीजे के लिए तैयार हैं, और जब मैं हम कहता हूँ तो इसका मतलब है 15-20 हज़ार लारसी, और अभी मज़ीद लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँच रहे हैं। कल तक उनकी तादाद 30 हज़ार से ऊपर हो जाएगी, और मैं बोबो देवता की कसम खाकर कहता हूँ कि ये सारे के सारे लोग साईं जी पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। साईं जी के एक इशारे पर वो ट्रस्ट पर टूट पड़ेंगे और उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर इन लोगों के दिल में थोड़ा बहुत खौफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ बागी सहरा मुनाबा का है। अगर ये खौफ दूर हो जाए तो फिर इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। मैंने साईं की तरफ देखा, वो खामोश था। मैंने भी फ़िलहाल मुनाबा के बारे में खामोश रहने का ही फैसला किया। गार के दहाने से अब धुआं निकलना शुरू हो गया था। इस धुएं में चर्बी के तेल के अलावा जले हुए गोश्त की बू भी शामिल थी। लारसी जंगजुओं ने भी इस बू को महसूस कर लिया था। अब वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। शायद चाहते थे कि मैं उन्हें गार के अंदर की सूरत हाल के बारे में बताऊँ। आखिर उनमें से एक ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, जनाब क्या आप बता सकते हैं कि मुनाफा का क्या हुआ है? मैंने सियासी अंदाज में जवाब दिया, इस बारे में साईं साहब ही कुछ बता सकते हैं, और अपनी मर्जी से ही बताएंगे। करीबन 3 घंटे बाद हम कॉलोनी में वापस पहुंच गए। कॉलोनी में यह खबर हर खास आम को मालूम हो चुकी थी कि किंग ब्राउन के खास कमांडोज एक तेज़ रफ्तार कार्रवाई के जरिए किंग के बेटे को यहाँ से ले जाने में कामयाब हो गए हैं। इस कार्रवाई में जो लोग हलाक हुए थे उनकी लाशें एक कतार की सूरत बूमा के सामने रखी थी। उनमें वो 6 जाबाज लारसी शामिल थे जिन्हें मैंने खास तौर से अस्की की हिफाजत पर मामूर किया था। इन नौजवानों में से एक भी जिंदा नहीं बचा था। मरने वालों के लवाकिन की आहोबका फिजा को सोगवार कर रही थी। तहम इस सोगवारी में गहराई के अंदर एक तरह का जोश व खरोश भी लहरे ले रहा था। गजाला रात भर मेरी तरफ से सख्त परेशान रही थी। उसने मुझे वाशिगाह हिदायत कर रखी थी कि मैं अपनी टांग पर रहम खाऊं और मुकम्मल आराम करूं। मैंने मुकम्मल आराम करने के बजाय मुकम्मल बेआरामी की थी और सारी रात मुहिम जोई में गुजार दी थी। इस वक्त तो जोश में कुछ पता नहीं चला, मगर अब टांग में हल्की हल्की टीसें उठ रही थी। गजाला ने नाराज़ नज़रों से मुझे घूरा और मुँह बनाकर दूसरे कमरे में चली गई। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, इस वक्त गुलसोमियाँ होती ना तो ज़रूर तुम्हें शर्म से सुर्ख होने का मौका देती। वो यही कहती कि तुम्हारी यादा बिल्कुल बीवियों से मिलती है। फजाला वाकई सुर्ख नज़र आने लगी मगर बोली कुछ नहीं। मैंने ताबी का सहारा लेते हुए कहा, यार तुम ही कुछ सिफारिश कर दो ना। वो गूँ गाँ करने लगा और मुस्कुराने लगा। भाई तुम्हारी ये ज़ुबान तुम्हारी माँ की समझ में आती है, अगर तुमने मेरे हक़ में बात की होगी तो यकीनन वो मुस्कुरा देगी, दूसरी सूरत में तुमने यकीनन मामला बिगाड़ने की कोशिश की होगी। फजाला के चेहरे का तनाव कम हो गया। यूँ लगा जैसे वो मुस्कुराहट होठों में दबाने की कोशिश कर रही है। अरे भाई अगर मुस्कुराने का इरादा है तो मुस्कुरा दो, अगर पर्दे में मुस्कुराना तो फिर मैं बाहर चला जाता हूँ। आपसे तो बात करना ही फजूल है, आपने हमेशा अपनी मर्ज़ी करना होती है। चलो इस दफ़ा मर्ज़ी नहीं करूँगा, तुम बात तो करो। आप बेहद सख्त जान बल्कि ढीठ किस्म के शख्स हैं। भाई ढीठ वाली बात तो गलत है, बहरहाल सख्त जान मैं ज़रूर हूँ,
अगर सच जानना होता तो तुम्हारी संगदिली कब का मुझे तोड़ फोड़ चुकी होती। मैंने आपको बिस्तर से उतरने से मना किया था, आप बाकायदा कुश्तियाँ करते फिर रहे। मैंने बिस्तर से ना उतरने का वादा किया था, मगर इसके साथ ये शर्त रखी थी कि तुम मेरे सामने बैठी रहोगी। अल्लाह ना करे अगर आपकी टांग को कुछ हुआ तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, ताबी ने हस्बे आदत गजाला के बाल मुट्ठी में जकड़े और साथ झूल सा गया। साथ साथ वो मामा नहीं पुकारने लगा। अब वो इक्का दुक्का लफ्ज़ बोलता था और नहीं का लफ्ज़ नापसंदीदा चीज़ के लिए इस्तेमाल करता था। उफ मेरे बाल छोड़ो, वो नहीं नहीं पुकारता रहा। देख लो इसने तुम्हारी बात का कितना ठोस जवाब दिया, ये कह रहा है कि अगर मेरी टांग को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार तुम ही होगी। हमारी बातों के दौरान में ककवी कमरे से जरीगुल के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आती रही थी। वो गालिबन गुलसोम से झगड़ रहा था। लगता है कि गुलसोम ने फिर इसकी जूती पर जूती चढ़ा दी है, गजाला ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। आप इनकी जूती को छोड़ें, अपनी जूती उतारें और लेट जाएं, सीधे सीधे लेट जाएं ताकि मैं आपकी टांग चेक करूं। उसने मुझे बाकायदा धकेल कर सोफे पर लिटा दिया और मेरी टांग देखने लगी। मुझे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मुख्तलिफ चेकअप्स कराने में गुजर जाएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब दिन के 10-11 बज चुके थे। कॉलोनी के अंदर से और इर्द गिर्द की वसी खैमा बस्तियों में से मुसलसल नाराज़नी की आवाज़ें आ रही थीं। कॉलोनी में हर तरफ लोगों के सर ही सर नज़र आ रहे थे। तमाम इंतजाम दरहम बरहम हो गए थे और लाशों का हजूम बढ़ता चला जा रहा था। उन्हें अभी तक इस बात का इल्म नहीं हुआ था कि मुनाबा लाश हलाक हो चुकी है। अगर उन्हें पता चल जाता तो यकीनन उनका जोश व खरोश कई गुना बढ़ जाता। एक आध खुली खिड़की में से मुझे गाहे बगाहे लड़कियों का वो गीत भी सुनाई दिया जो मैं इससे पहले भी सुन चुका था। लारसी दोशीज़ाएँ बड़ी अकीदत के साथ हम आहंग होकर बोकार्लो की शान में कसीदा पढ़ रही थी। मैं सोच रहा था लोगों की अकीदत में और हकीकत में कितना फ़र्क है। बोकार्लो अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद मुनाबा के सामने बेबस रहा था। मुनाबा के खात्मे का काम साईं आली के हाथों से हुआ था। आपने अब तक बताया नहीं, रात भर आप कहाँ रहे और मुनाबा का क्या बना? गजाला ने मुनाबा का जिक्र किया तो एक बार फिर गार के सनसनी खेज मनाजर मेरी निगाहों में घूम गए। मुनाबा का फूला हुआ बदरंग जिस्म जो बिल्कुल एक फटी हुई लाश की मानन था, फिर मुनाबा की शहरक काटे जाने के बाद एकदम उसकी लाश का पिघलना और गलना, वो जिस्म उस जिस्म से कितना मुख्तलिफ था जो जोर्डन बस्ती तक हमारे साथ गया था। मुनाबा को जिस्मानी तनासब नहीं रखती थी और आम औरतों से काफ़ी दरासकत थी, मगर फिर भी उसमें निस्वानी कशिश मौजूद थी। मुझे मुगासा का वो वाकया याद आ गया जब एक जोडम ने कुछ भेड़ों के एवज़ मुनाबा के जिस्म से खेलने की ख्वाहिश की थी। सख्त मजबूर होने के बावजूद मुनाबा ने साफ इनकार कर दिया था। आज रात आखिरी पहर उसी मुनाबा को हमने एक बला के रूप में देखा था और कत्ल किया था। मुनाबा के बारे में सोचकर दिल एक बार फिर मलूल हो गया। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए आप? मैंने मुख्तसर अल्फाज में गजाला को मुनाबा के बारे में बताया। मुनाबा के दर्दनाक अंजाम ने गजाला को भी मलूल कर दिया। इसी दौरान मैं जरीकुल अंदर दाखिल हुआ। उस्ताद साहब, बार चौक में लोगों का रश बहुत बढ़ गया है। इतना रश तो हमने बदर मुनीर साहब की फ़िल्म यूसुफ खान शेरवानों पर भी नहीं देखा था। हमको मालूम है कि साईं अली साहब यहाँ के लोगों से खिताब फरमा रहा है। मैंने खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर झांका। हुजूम का रुख साईं की रिहाइशगाह की तरफ ही था। कुछ ही देर बाद मैं भी जरी के सहारे बाहर निकल आया और जलसगाह के आखिरी सिरे पर खड़ा होकर साईं की आमद का इंतज़ार करने लगा। 4-5 मिनट बाद साईं अली इस शान से बरामद हुआ कि उसने अपने हाथ में बोकार्लो का हाथ थाम रखा था। आफत जहाँ सरोज होशरुबा लिबास में उन दोनों के पीछे पीछे चली आ रही थी। उसके हाथ में एक लोटा था। माइक के सामने पहुंचकर साईं ने सरोज के हाथ से लोटा लिया, उसकी टोंटी से मुंह लगाया और मुंह में पानी भरकर गरारे करने लगा। उसके हलक से गरर गरर की आवाज़ निकली और माइक के ज़रिए दूर तक फैल गई। गरारे के बाद उसने पानी की पिचकारी सरोज के कदमों में मारी, लेकिन वो पानी नहीं बल्कि कोई तेल कस्म की शय थी। साईं ने कहा, डीजल के साथ गरारे किए जाएँ तो आवाज़ साफ हो जाती है और बोलने वाले का इंजन ज़्यादा धुआं भी नहीं देता। आप लोगों को भी मेरा यही मशवरा है कि सुबह उठकर नहार मुँह 2-4 तोले ग्रीस खा लिया करें और अच्छे डीजल के साथ गरारे किया करें। उसकी ऊट पटांग तमहीद का तर्जुमा एक मुतरजम ने हाजरीन तक पहुंचाया। हाजरीन की तादाद का ठीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। जहां तक निगाह जाती थी सर ही सर नज़र आ रहे थे। शायद कल रात कबायली जंगजू ने ठीक ही कहा था कि लारसियों और दीगर कबीलों की तादाद 30-35 हज़ार तक पहुंच जाएगी। साईं ने पहले अपने जन्नात की शान में थोड़े से कसीदे पढ़े, फिर हाजरीन को मुखातिब करते हुए बोला, मैं आपके सामने ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि
कि बागी साहरा की शक्ल में जो ख़तरा हमारे सरों पर मंडला रहा था वो अब टल चुका है, साहरा हलाक हो चुकी है। सायाली की बात का तर्जुमा जब लोगों तक पहुंचा तो उन्होंने फलक शगाफ नारे बुलंद किए और शोर मचा मचा कर आसमान सर पर उठा लिया। साई ने बोकार्लो का इकलौता हाथ पकड़कर फिज़ा में बुलंद किया और बोला, मैं आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यह अहम कामयाबी हमें सिर्फ बोकार्लो के तआवुन और कोशिश से ही मिल सकी है। बोकार्लो की महान शक्ति के बगैर शायद ये काम होना मुमकिन नहीं था। लोगों ने एक बार फिर ज़बरदस्त जोश व खरोश का इजहार किया। बोकार्लो भी मुस्करा रहा था मगर उसकी मुस्कुराहट में फीकापन था। इस फीकेपन की वजह मैं जानता था। मेरा दिल गवाही देने लगा कि साई जो कुछ कह रहा है वो हकीकत नहीं है। मुनाबा की मौत में बोकार्लो का कोई किरदार नहीं है। साई ने बोकार्लो को फ़कत उसके अकीदतमंदों के सामने सुरखरू करने के लिए उसके सर पर सहरा बांधा है। ये बात भी आया थी कि यह सहरा बोकार्लो ने अपनी मर्जी और खुशी से नहीं बनवाया होगा। साई ने उसे इस काम के लिए मजबूर कर दिया होगा। हजूम के किसी गोशे से एक बार फिर नौजवान लड़कियों का गाया हुआ अकीदत भरा गीत हमारे कानों में गूंजने लगा। साई के किरदार का ये मस्बत पहलू ज़िंदगी में पहली बार मेरे सामने आया था। अपनी खुदनुमाई और बड़ाई को अक्सर नज़रअंदाज करके उसने आला ज़र्फ़ी के साथ एक शख्स को अपनी कामयाबी में शरीक ठहराया था। उसके इस इकदाम से सैकड़ों हज़ारों लोगों की अकीदत का भरम रह गया था। साई ने अपनी तकरीर को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारी लड़ाई किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हमारी लड़ाई गुरबत, भूख, बीमारी और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ है। हमें किसी किंग ब्राउन या किसी ट्रस्टी को फतह नहीं करना, हमें लोगों के दिलों को फतह करना है। इस मकाम पर इतने ज़्यादा हुजूम का जमा हो जाना इस बात का सबूत है कि हम अपने मकसद को हासिल कर लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो किसी बड़े खून खराबे के बग़ैर हासिल कर लेंगे। जितने लोग यहाँ जमा हो चुके हैं, अगर ये खाली हाथ भी ट्रस्ट की तरफ पेश कदमी करें तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। जो इनकी राह में आएगा वो चट्टान भी होगा तो तिनके की तरह बह जाएगा। लोगों का जोश व खरोश इंतहा को पहुँच गया। हज़ारों बाजू फिज़ा में बुलंद हुए। हज़ारों तमतमाए हुए चेहरों और दहकती हुई आँखों ने साईयाली और बोकार्लो की तरफ देखकर पुरजोश नारे बुलंद किए। यह हुजूम पता नहीं कहां कहां से चलकर यहां जमा हुआ था। इसमें कई कबीलों और नस्लों के लोग थे, लेकिन इस वक्त वो सब के सब एक ही जिस्म लग रहे थे। इस सारे जिस्म में एक ही दिल धड़क रहा था और उसकी निगाह एक ही मकसद पर लगी हुई थी। हुजूम में बुलंद होने वाले हैजियानी नारों से अंदाज़ा हुआ कि लोग साईयाली से इजाज़त चाह रहे हैं। सयाफाम लोगों का यह ठाठे मारता समंदर एक तूफान की तरह ट्रस्ट की तरफ बढ़ना चाह रहा है। साईयाली ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। खुली आस्तीनों वाले स्याह लबादे के साथ साई किसी परिंदे की तरह दिखाई दिया। उसने लोगों को सब्र और तहमुल की तलकीन की। वो बोला, वही होगा जो तुम लोग चाहते हो, लेकिन मुकर्रा वक्त पर होगा। जहाँ बरसों इंतज़ार कर रहे हो वहाँ थोड़ा इंतज़ार और करो। साई की तकलीद में बोकार्लो ने भी अपना हाथ फिज़ा में बुलंद किया और लहरें मारते हुए इंसानी समंदर को किनारों के अंदर रखने की कोशिश की। साई की आवाज़ माइक के ज़रिए कॉलोनी के अंदर बाहर दूर तक गूंजी। मेरे जिन्नात हवा में बहुत बुलंदी पर उड़ रहे हैं। वो मुझे इत्तला दे रहे हैं कि अभी आपके बहुत से साथी रास्तों में हैं, दूर दराज जगहों से आपके साथ शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। उनका इंतज़ार करना ज़रूरी है। उसने आसमान की तरफ रुख करके खबर नहीं हवा में क्या क्या इशारे किए। वो यूँ ज़ाहिर कर रहा था जैसे जन्नात से महवे गुफ्तगू है। चंद लम्हे बाद उसने दोबारा हुजूम को मुखातिब किया। आप लोग अभी अपने अपने घरों और खैमों में जाएं, दूध की कच्ची लस्सी बनाएं और उसमें थोड़ा सा प्याज घोट कर डाल लें। छोटी मक्खी का शहद तो आप सबके पास होगा, वो भी उसमें शामिल कर लें। ये मशरूम इंसान में सब्र व तहम्मुल पैदा करता है और उसके फालतू जोश को काबू में रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्याज और शहद का नाम इकट्ठा सुनकर उनको मतली होने लगती है। ऐसे लोगों के लिए मैं एक और तजवीज़ पेश करता हूँ। साई मुकम्मल तौर पर पटरी से उतर चुका था और जो मुंह में आ रहा था बोलता चला जा रहा था। लोग सुन रहे थे और सर धुन रहे थे। वो इन बातों से भी माने और इशारे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 10-15 मिनट बाद ही जम्मे गफीर मुंतशर होना शुरू हो गया। राफे तो ज़ख्मी होने के बाद अस्पताल में था। उसका नया नायब बोगारो, जिसे सिर्फ गारो भी कहा जाता था, बड़ी तनदेही से दिफाई इंतजाम में मशगूल था। उसने कॉलोनी के इर्द गिर्द वाक़ निगरानी के टावर्स पर नफरी तैनात कर दी थी। उसके अलावा वो सैकड़ों लश्करियों को मुख्तलिफ दस्तों में बांटकर खैमा बस्तियों की हिफाजत के लिए रवाना कर रहा था। बेशतर लश्करी असलहा इस्तेमाल करना जानते थे और वो जदीद तरीन असलहे से लैस नज़र आ रहे थे। ज़ाहिर है ये जदीद और कीमती असलहा उन्हें साई के डॉलर और पाउंडों की मदद से ही फराहम हुआ था। इस असलहे में खुदकार राइफलें, माउज़र और लाइट मशीन गनें शामिल थीं। ये इसी शाम का वाक़ है। गजालों ने मुझे बताया कि बोमा के पीछे एक मकान में कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है। वहाँ बहुत से लारसी जमा हैं और शोर मचा रहे हैं।
मैंने जरी को साथ लिया और अपनी रहायशगाह से निकला। गजाला ने जो इंजेक्शन दिया था उसने टांग के दर्द को काफ़ी हद तक कम कर दिया था और अब चलने फिरने में आसानी महसूस हो रही थी। हम मौके पर पहुँचे तो सूरत हाल संगीन नजर आई। बेशुमार लाड़सियों की आंखों में खून उतरा हुआ था और वो गले फाड़कर चीख रहे थे। वो एक चारदीवारी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे जबकि दीगर लाड़सी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। मैं और जरी लोगों के दरमियान रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। मुझे चारदीवारी के अंदर से 2-3 बार मध्यम निस्वानी चीखों की आवाज़ आई। इसी दौरान लोगों के दरमियान मेरी निगाह मोमल पर पड़ी। उसने भी मुझे देख लिया और मेरी तरफ बढ़ाया। ये क्या बेहूदगी हो रही है यहाँ? मैंने बुलंद आवाज़ में पूछा। बहुत गड़बड़ हुई है, चलिए बाहर आइए, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अंदर कोई लड़की चीख रही थी। वो एक लड़की नहीं थी जी, 3-4 लड़कियाँ हैं, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। उनके साथ जो होना था हो चुका है। मोमल ने बाकायदा मेरा बाजू पकड़ा और लोगों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ बाहर निकल आया। हुजूम के तेवर अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे। यूँ लगता था कि अभी बहुत से लोग आपस में दस्तों गिरेबा हो जाएंगे। इतने में नायब गारो भी वहाँ पहुँच गया और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। मोमल ने कहा, मुझे लगता है जी कि ये ट्रस्ट वालों की एक और साजिश है। क्या कहना चाहते हो? अभी आपने इस मकान में जो चीखें सुनी हैं वो बोब लड़कियों की थीं। चंद लारसियों ने डंके की चोट पर 3-4 दोषीजाओं की इसमें दरी की है। उनके मुसल्ला साथियों ने किसी को लड़कियों की मदद के लिए चारदीवारी के नज़दीक नहीं जाने दिया। पर क्यों? ये लोग साईं अली को रूहानी पेशवा मान रहे हैं और साईं ने सख्ती से हिदायत की थी कि किसी लड़की को कुर्बान किया जाएगा और ना ही उसकी इसमें दरी की जाएगी। यही तो मसला है जनाब। बॉब लड़कियों की कुर्बानी और इसमें दरी यहाँ की पुख्ता मजहबी रस्म बन चुकी है। लोगों ने साईं साहब के हुक्म पर यह सिलसिला रोक तो दिया था, लेकिन बहुत से लोग दिल ही दिल में इस फैसले से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। बहरहाल साईं का हुक्म मेरे अक्सर लारसी भाइयों के लिए देवताओं के फरमान का दर्जा रखता है। मुमकिन है कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग साईं के हुक्म को दिल से तस्लीम कर लेते। लेकिन 2-3 दिन से एक नया मसला खड़ा हुआ है और उसने लोगों में बेचैनी बढ़ा दी है। नए मसले के बारे में तुमने तो हमें कुछ नहीं बताया, हालांकि मुलाकात तो हमारी रोज़ होती है। मुझे भी आज ही मालूम हुआ है जी। दरअसल ये चक्कर आज से 10-15 दिन पहले शुरू हुआ था। जैसा कि आपको मालूम है, साईं जी ने करीबन 150 बॉब लड़कियों की शादियां मकामी नौजवानों से करा दी थी। अब ये लड़कियां बीवियों की हैसियत से अपने मर्दों के साथ रह रही हैं। बहरहाल 2-3 लड़कियां ऐसी थी जिनके लिए कोई मौजू मर्द नहीं मिल सका था। वो लड़कियां राफ़ी की तहवील में थी। अब साईं जी के हुक्म पर सरदार राफ़ी उनमें से खुश शक्ल लड़की के साथ शादी कर रहा है। अगर सरदार गुफा के दहाने पर ज़ख्मी ना हो जाता तो पिछले हफ्ते शादी हो भी चुकी होती। बहुत से लाड़सियों को ये बात पसंद नहीं आई, मगर साईं जी के बेपनाह एहतराम की वजह से वो खामोश होने पर मजबूर थे। उनमें से एक तबका ऐसा है जो कुछ ज़्यादा ही जोशीला है। ये लोग कई दिनों से चुपके चुपके इस बारे में बातें बनाते रहे हैं। अब सब कुछ इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। पर क्यों? अगर सरदार राफ़ी बोब लड़की से शादी कर भी रहा है तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? दरअसल जनाब, बहुत अरसे से हमारे यहाँ बोब दोशीज़ाओं को फ़कत कुर्बानी के जानवरों की हैसियत दी जाती रही है, और आपने भी देखा होगा उनका रहन सहन जानवरों से करीब तर है। अब अगर साईं जी के हुक्म पर सरदार राफे बोब दोशीज़ा से शादी कर लेता है तो उस बोब को कबीले की सरदारनी की हैसियत मिल जाएगी। फ़र्ज़ करें अगर शादी के फ़ौरन बाद सरदार को कुछ हो जाता है तो मकामी रिवाज के मुताबिक सरदार की सबसे छोटी बीवी को उस वक्त तक सरबरा की हैसियत हासिल रहेगी जब तक नया सरदार नहीं चुन लिया जाता। लारसियों के लिए इस बात को तस्लीम करना बहुत मुश्किल है कि एक बॉब को सरदारनी या सरबरा का रुतबा मिल जाए। ये लोग इस बात को ऐसे ही समझेंगे जैसे किसी शख्स को किसी आवारा कुत्ते के पांव चूमने के लिए कहा जाए। मगर साईं को इस तरह की हिदायत जारी करने की ज़रूरत क्या थी? मैंने पूछा। ये तो साईं जी ही बता सकते हैं जनाब। हो सकता है कि किसी ने अफवाह फैलाया। वो आरामी ट्रस्ट का लोग हमारे दरमियान मौजूद है। इससे पहले भी वो 2 मरतबा साईं साहब को बदनाम करने की कोशिश फरमा चुका है। मोमल ने कहा, मेरा पहले यही ख्याल था, लेकिन अब पता चला कि साईं जी वाकई इस खूबसूरत बॉब से सरदार राफी की शादी कराना चाहते हैं। सरोज को भी इस बात का इल्म है, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मज़ीद 2-4 बॉब लड़कियों की शादियां अहम लारसी सरदारों से कराई जाएंगी और इस तरह कम तरीन बॉब लड़कियों को वो रुतबा दिया जाएगा कि लारसियों को उनके सामने सर झुकाने पड़ेंगे। ओचे, इस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हमको ये बताओ कि जिन 3-4 लड़कियों को इज्जत मट्टी में मिलाया गया उनका क्या कसूर था? उनका कसूर बस ये था कि वो बॉब थी। मैंने आपको बताया ना कि हम लारसियों में एक तबका ऐसा है जिसने इस बात को कुछ ज़्यादा ही दिल से लगाया हुआ है। साईं जी के बेहद एहतराम के बावजूद एहतराम से वो साईं जी को तो कुछ नहीं कह सकते। उनका सारा गम गुस्सा लड़कियों की तरफ मुड़ गया। उनको यकीन है कि बोब देवताओं ने लड़कियाँ सिर्फ जान और इज्जत की भेंट चढ़ाने के लिए पैदा की हैं।
अभी थोड़ी देर पहले इस चार दीवारी में उन्होंने जो अमल किया वो देवताओं को खुश करने के लिए किया है, या आप यूँ कह लें कि उन्होंने अपनी तरफ से एक मरी हुई रस्म को ज़िंदा किया है। मेरा खून खौलने लगा। अगर तुम जैसे लोग भी जुल्म और जबर का मतलब नहीं समझोगे तो फिर और कौन समझेगा? तुम्हारी बहनों और बहू बेटियों को जंजीरों में जकड़ कर ट्रस ले जाया जाता है, उन्हें जानवरों की तरह सुधा कर जिस्म फरोश बनाया जाता है, तुम्हारे मर्दों को ग़ुलामों का रूप दिया जाता है। तुम सब लोग इसी सफाकी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, मगर तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जैसे इंसानों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो ट्रस्ट में किंग ब्राउन कर रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब, लेकिन ये सफ़ेद फाम लड़कियाँ तो पाली इसीलिए जाती थी कि खामोश, सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। मैंने उसकी बात काटी। जिस चार दीवारी में बॉब लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती का सलूक किया गया था वहाँ अब भी लारसियों का जमे गफीर नज़र आ रहा था। सैकड़ों लारसी थे और वो वाज़े तौर पर दो ग्रोहों में बटे हुए नज़र आते थे। अगर मुसल्ला मुहाफ़िज़ों का एक जमे गफीर वहाँ मौजूद ना होता तो ऐन मुमकिन था कि वहाँ खून खराबा शुरू हो जाता। यही लोग थे जो कल तक यकजान नज़र आ रहे थे। साईं के एक इशारे पर वो मरने और मार देने के लिए तैयार थे, लेकिन आज उनमें फूट पड़ी हुई थी और वाज़े तौर पर नज़र भी आ रही थी। मुझे जरीकुल की बात में वज़न महसूस होता नज़र आ रहा था। इस सूरत हाल के पीछे ट्रस्ट की कारफरमाई नज़र आती थी। साईं से तो बात करना फजूल था, बहुत कम इम्कान था कि वो किसी बात का ढंग से जवाब देगा। मैंने सरूर से रब्ता करना मुनासिब समझा। मैंने मोमल से कहा, तुम जाओ और किसी तरह सरोज को यहाँ लेकर आओ। ठीक है जनाब, मैं उसे ढूंढता हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, तुम हर वक्त उसके साथ चिपके रहते हो, तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि वो इस वक्त कहाँ है। मेरे तंस की वजह से मोमल कट कर रह गया और कान लपेट कर बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद सरोज मेरे सामने थी। वो साजे के रूप में बैठी थी, वही रूप जिसके सबब वो कुछ दिन पेशतर फांसी लगते लगते बची थी। जरीगुल उस वक्त को याद करके दर्जनों बार हसरतनाक आहें भर चुका था। सरोज, ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ? साईं आली बना बनाए खेल क्यों बिगाड़ रहा है? क्या वाकई उसने सरदार आफे की शादी बॉब लड़की से करने की बात की थी? सरोज ने गहरी सांस लेकर इस बात में सर हिलाया। हाँ, ये बात हुई थी, लेकिन क्यों? उसे यह नया पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम इसे पंगा नहीं कह सकते, और अगर ये पंगा ही है तो फिर ये सरदार राफे ने लिया है, वो तिनक कर बोली। राफे ने क्या किया? शायद ठीक ही कहते हैं कि मर्द जो जो बूढ़ा होता है उसकी हिरस बढ़ती जाती है। सरदार की कई बीवियां हैं, फिर भी किसी जवान छोकरी को देखकर वो राल टपकाने लगता है। 2-3 लड़कियां सरदार राफे की तहवील में थी। 10-12 रोज़ पहले की बात है, रात को खजूर की शराब पीने के बाद अय्याशी का बुखार सरदार के दिमाग को चढ़ गया और उसने एक बॉब लड़की को पकड़कर उसके साथ मनमानी कर ली। सुबह सवेरे इस बात की खबर साईं जी को भी पहुंच गई। वो सरदार की हरकत पर बहुत नाराज़ हुए। दरअसल साईं जी यहाँ बॉब लड़कियों को वही इज्जत देना चाहते हैं जो आम औरतों को हासिल है, लेकिन सरदार ने बॉब के साथ जानवरों का सलूक कर डाला था। आम शख्स से हरकत सरजद हुई होती तो और बात थी, ये काम सरदार ने किया। साईं जी ने उसी वक्त सरदार को हुक्म दिया कि उसने कंवारी लड़की के साथ मनमानी की है और अब वो उसको इज्जत देने के लिए उसके साथ शादी करे। अब बात किसी हद तक समझ में आ रही थी। मैंने सरोज से पूछा, अब क्या होगा? ये लोग तो बात को किसी और रुख पर ले गए हैं। मुझे विश्वास है कि किंग के एजेंट यहाँ भी मौजूद हैं और उन्होंने इस मसले को उछाला और गंभीर बनाया है। सोचने की बात तो यह कि अब इस गंभीरता को कम कैसे किया जाए। मेरा ख्याल है कि तुम साईं को समझाओ, उसे बताओ कि इस फैसले की वजह से लारसियों में फूट पड़ रही है और वह अपने अकीदतमंदों के सामने आकर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ऐलान करेगा तो सब ठीक हो जाएगा, वरना बात फैल जाएगी और बड़ा नुकसान होगा। इतने बड़े हुजूम की सारी ताकत टूट फूट की वजह से बेकार हो जाएगी। शाहजहाँ, तुम ज़्यादा भोले बादशाह बनने की कोशिश मत करो। तुमको अच्छी तरह जानकारी है कि साईं जी केवल अपनी मर्ज़ी पर चलते हैं। मैं लाख सर पटकूँ, वो वही करेंगे जो वो चाहेंगे। भाई, कोशिश तो की जा सकती है, तो तुम करके देख लो, उसने कहा और बाहर निकल गई। मैं देख रहा था कि हालात ख़राब हो रहे हैं। ट्रस्ट के ख़िलाफ़ कबाइलियों को इतनी बड़ी तादाद में जमा हो जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। शायद साईं ने ठीक ही कहा था कि अगर ये सब लोग खाली हाथ भी ट्रस्ट की तरफ चल निकलते तो उसकी ईंट से ईंट बजा देते, मगर इस ज़बरदस्त ताकत में फूट का शिकार हो गई थी और मज़लूम कबाइलियों की कामयाबी ज़ालिम ट्रस्ट की कामयाबी में तब्दील हो रही थी। मैंने सफदर को साथ लिया और साईं आली की तरफ चल दिया। अब रात 8-9 का अमल था। कॉलोनी में और कॉलोनी से बाहर हलचल के आसार साफ महसूस होते थे। ट्रस्ट के ज़ोरदार हमले का ख़तरा तो पहले से ही मौजूद था, अब अंदरूनी खून खराबी की सूरत हाल भी पैदा हो गई थी। मुनावा की मौत के ऐलान के बाद इत्मीनान की जो एक लहर सी कबाइलियों में दौड़ी थी वो मफकूद होती जा रही थी।
मैं और सफदर साई आली की बसाई हुई जदीद बस्ती की सड़कों से गुजरे और उसके ठिकाने पर पहुंच गए। यहाँ मुसल्ला गार्ड्स का पहरा था। ताहम सरोज की चालाकी से हमें साई तक रसाई का मौका मिल गया। दरवाजे के साथ वाले कमरे में साई का कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था। इस कमरे में दड़बे के अंदर एक बड़ी सी सेहतमंद देसी मुर्गी बैठी कड़कड़ा रही थी। साई ने गले में नोटों के हार डाले दीवार से टेक लगाए बैठा था और बड़ी महवियत से एक तरफ देखता चला जा रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो उसने चीख कर मुझे रोक दिया। ठहर जाओ, देखते नहीं हो, अभी तुम्हारे पाँव के नीचे आकर तीन चार जाने ज़ाया हो जानी थी। कौन सी जाने? तुम्हारी नज़र इतनी तेज़ नहीं कि मेरी जुओं को देख सको। जहाँ तुम पाँव रख रहे थे वहाँ मेरी चार जुएँ मौजूद हैं। मैंने उन्हें सज़ा के तौर पर मुर्गा बना रखा है। जब तक ये चारों नेक चलने का वादा नहीं करेंगी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने तो खरमस्तियाँ कर करके मेरा सर पोला कर दिया। साईं, मुझे तवक्को तो नहीं कि तुम मेरी बात मानोगे, लेकिन फिर भी मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये मस्खरी का नहीं संजीदगी का वक्त है। संजीदगी का वक्त रात 12 बजे के बाद शुरू होता है और 12:05 पर ख़त्म हो जाता है। बहरहाल तुम्हारी खातिर मैं संजीदगी में ओवर टाइम लगा लेता हूँ। बताओ क्या बात है? साईं, मैं मानता हूँ कि तुम इन कबाइलियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो और मज़ीद भी करना चाहते हो, मगर कहीं कहीं तुम गलतियाँ भी कर रहे हो। चंद दिन पहले एक फाश गलती तुमसे हुई है जिसका नतीजा ये निकला कि यहाँ जमा होने वाले हज़ारों कबाइली जो 2 दिन पहले तक यकजान नज़र आते थे अब इख्तलाफ का शिकार हो रहे हैं और कोई नहीं पता कि आपस में खून खराबी शुरू कर दें। मेरा ख्याल है तुम इतने बेखबर नहीं हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि अभी थोड़ी देर पहले बोमा के पीछे एक मकान में तीन लड़कियों की आबरू लूटी गई है। मैंने सब कुछ साईं के गोश गुजार कर दिया और आखिर में उससे दरख्वास्त की कि वो सरदार राफे के साथ बोब लड़की की शादी के बारे में अपना बयान बदल ले, वरना लारसी 2 गिरोहों में बटकर एक दूसरे से दस्तों गिरेबा हो जाएंगे। साईं बज़ाहिर तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा, मगर जब मैं खामोश हुआ तो उसने ऊट पटांग बातें शुरू कर दी। उसने बताया कि उसने कबाइलियों का जोश व खरोश काबू में रखने का इंतज़ाम कर दिया है। जब वो दूध की कच्ची लस्सी में शराब का शीरा, प्याज का शीरा और शहद मिलाकर पियेंगे तो ठंडे ठार हो जाएंगे। साईं, समझने की कोशिश करो, ये वही ट्रस्टी हैं जिन्होंने इससे पहले 2 दफ़ा तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है। वो कबाइलियों की नज़र में तुम्हें गिराना चाहते हैं और तुम इन्हें खुद मौका फराहम कर रहे हो। बॉब लड़की से सरदार राफे की शादी नहीं होगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर कबाइलियों का इत्तेहाद टूट गया तो ज़रूर क़यामत आएगी। मोगासा में तो कुछ बचत हो गई थी पर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तुम मेरी और मेरे जन्नात की तौहीन कर रहे हो। वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर रुककर उसने खाली फर्श की तरफ देखा और जुओं से मुखातिब हुआ। चलो उठ जाओ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। मैं दांत पीस कर रह गया। साईं की सलाहियतों से इनकार करना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन वो अक्सर चिकने घड़े की तरह कोई भी बात मानने से इनकार कर देता था। साईं के जाने के थोड़ी देर बाद सरोज अंदर आ गई। हाँ आप बता, हो गई तसल्ली? मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था, साईं जी की ज़ुबान से जो बात निकल गई वो उसे वापस नहीं लेंगे। आज सुबह भी वो मुझसे पूछ रहे थे कि सरदार की हालत शादी के काबिल हुई या नहीं। अचानक मेरे जहन में एक बात आई और मैं सरदार की रहायशगाह की तरफ चल दिया। सफदर भी साथ था। मैंने सफदर से कहा कि वो अब घर जाए। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बस एक काम है, वापस आकर बताऊँगा। आप ज़्यादा देर ना लगाएं, वरना गजाला लठ लेकर मेरे पीछे पड़ जाएगी और वो भी ठीक ही करती है। आप अपनी टांग को ज़्यादा बेआराम मत करें। मैंने इस बात में सर हिलाया। कुछ आगे जाकर मोमल से मुलाकात हो गई। वो हमेशा की तरह चाको चौबंद और चौकस नज़र आ रहा था। उसने बताया कि सरदार राफे के नायब गारों ने सूरत हाल को किसी हद तक संभाल लिया है। वक्ती तौर पर आपस में लड़ाई का ख़तरा टल गया है, लेकिन क्या? ट्रस्ट की तरफ से परेशान कुन खबरें आ रही हैं जनाब। अस्की की रिहाई पर किंग और उसके साथियों ने ट्रस्ट में ज़बरदस्त जश्न मनाया है। मकामी पुलिस और इंतजामिया के कई आला अफसर भी उस जश्न में शरीक थे। इसी जश्न में कबायलियों और साईं जी के ख़िलाफ़ एक बड़ा और फौरी ऑपरेशन करने की प्लानिंग की गई है। ट्रस्ट से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आज रात या कल तक ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तुम्हें इत्तला किसने मिली है? बोकार्लो साहब से। बोकार्लो को ये इत्तला उनके 2 खास आदमियों ने दी है। इसी दौरान में बोकार्लो भी अपने चंद मुसल्ला साथियों के हमरा तेज़ी से कदम उठाता हमारी तरफ आया। उसके कटे हुए बाजू की आस्तीन हवा में लहरा रही थी। मैं जब भी उसके कटे हुए बाजू को देखता मुझे किंग और उसका खूंखार छुपकला याद आ जाते। मिस्टर शाह, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। ट्रस्ट से जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि वो लोग मकामी इंतजामिया की मदद के साथ कॉलोनी पर हल्ला बोलने की तैयारी कर रहे हैं। प्लान के मुताबिक सारे इलाके को घेरे में ले लिया जाएगा और लाउड स्पीकरों के ज़रिए ऐलान किया जाएगा
कि कबायली मुंतशर होकर अपने अपने इलाकों को वापस चले जाएं। मुंतशर होने के लिए उन्हें आधे या एक दिन का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद ज़ोरदार कार्रवाई करके बाकी मांदा लोगों को मुंतशर किया जाएगा। मज़ाहमत करने वालों पर बेदरेक फायरिंग की जाएगी और सरकर्दा लोगों को चुन चुन कर गिरफ़्तार किया जाएगा। मोहतरम बुकार्लो, आपको ये इत्तला कब मिली? सिर्फ़ एक घंटा पहले, लेकिन ये प्लानिंग शाम 6-7 बजे ही हो गई थी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, कल रात तक किंग और उसके हरकारे शशोपंच में थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कॉलोनी में कबायलियों के इतने बड़े इज्तिमा ने उन्हें परेशान कर दिया था, मगर अब उन्हें पता चल गया कि कबायली आपस में टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़कर जारहाना कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। इसी दौरान में राफे का नायब गारो भी वहाँ पहुँच गया। इस हफ्सरज़दा रात में उसकी सिया पेशानी पसीने से तर थी। बोकार्लो ने अफरा तफरी के आलम में गारो को साथ लिया और दिफाई इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए कॉलोनी के शुमाली हिस्से की तरफ चला गया। मैंने मौका गनीमत जाना और आहिस्ता रवि से कदम उठाता सरदार राफे की रहायशगाह की तरफ अपना बाकी सफ़र पूरा करने लगा। हसीन सफ़ेद फार्म लड़कियाँ अपने हबशी शोहरों के साथ यहाँ वहाँ चकरा रही थीं। दुकानों पर सफ़ेद फार्म मुलाजमीन नज़र आ रहे थे। एक फिलिंग स्टेशन पर एक अमरीकी नौजवान एक डाटसन कार में पेट्रोल भर रहा था। ड्राइवर की वर्दी में जो शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा था वो भी अमेरिकन या अंग्रेज़ ही था। ये सब साई के डॉलरों और पाउंड्स की करिश्माकारी थी। उसने यूरोप और अमेरिका से बेहतरीन हुनरमंद और हुसनमंद इकट्ठे करके यहाँ मामूली कामों पर लगा रखे थे। गालिबन इस तरह उसने लारसियों और दीगर कबायलियों के जहनों से वो कहना खौफ और रोग दूर कर दिया था जो सफ़ेद फामों के हवाले से उनमें पाया जाता था। ये खौफ दूर होने का ही इजाज़ था कि उनमें साई आली के लिए मकनातीसी कशिश पैदा हुई थी और वह हर तरफ से साई की इस अजूबा बस्ती की तरफ खींचे चले आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं इस खूबसूरत मकान में पहुंच गया जो साई ने सरदार राफे को आर्जी तौर पर बस्ती में रहने को दिया था। यहाँ रहने के लिए सरदार ने अपनी दो बीवियों को मुगासा से मंगवा लिया था। इसके अलावा वो यहाँ 3-4 बोबदोशीज़ाएँ भी थीं जो साई ने राफे की तहवील में दे रखी थीं। वो खुश शक्ल बोबदोशीज़ा भी उन्हीं में से थी जिसको सरदार राफे ने अपनी सरदारी का निशाना बनाया था। आम बोबदोशीज़ाओं की तरह उसकी उम्र भी 16 और 22 के दरमियान थी। चेहरा और हाथ पांव बिल्कुल बेदाग, जल्द मुलायम, आँखें हल्की नीली, सेहत ऐसी कि यूं लगता था अभी खून रुखसारों से या होठों से टपक पड़ेगा। ये वो लड़की थी जिसकी वजह से सहरा के मजलूम लोगों और बदनाम ज़माना बर्दाफरोश किंग की लड़ाई एक नई नहज पर आ गई थी। राफे की बीवियां मेरे लिए ठंडा मशरूब लाईं। मकामी रिवाज के मुताबिक उन्होंने घूंघट निकाल रखे थे। उनके लिबास लंबे सफ़ेद लबादों पर मुश्तमिल थे। हाथों में पत्थर और धात की दर्जनों चूड़ियाँ थीं। ऐसी चूड़ियाँ बॉब लड़कियों के हाथों में भी थीं, मगर उनके लिबास मकामी ख़वातीन से मुख्तलिफ थे। बॉब लड़कियों के लिबास सुर्ख लिबादों पर मुश्तमिल थे और इनके पूरे बाजू कंधों की गोलाइयों तक नज़र आते थे। इसके अलावा बॉब लड़कियाँ पर्दा भी नहीं करती थीं। मैं उस बॉब लड़की के करीब गया जिसकी शादी सरदार राफे से कराई जानी थी। मुझे देखकर वो ज़रा सा ठिठकी और एक कदम पीछे हट गई, लेकिन जब मैंने नरमी से उसके सर और कंधे पर हाथ फेरा तो वो रिलैक्स दिखाई देने लगी। वो दीगर लड़कियों की तरह कुछ बोल नहीं सकती थी, सिर्फ हलक से नाकाबिले फहम आवाज़ें ही निकाल सकती थी। मैंने शरबत का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने बिल्कुल किसी पालतू जानवर ही के अंदाज़ में अपना चेहरा थोड़ा सा पीछे हटाया और हलक से नापसंदीदगी की मध्यम आवाज़ निकाली। मैंने जेब में हाथ डाला। ताबी के लिए चंद टॉफियाँ रखी हुई थी। मैंने 2-3 टॉफियाँ उसकी तरफ बढ़ाईं। वो खाली खाली नज़रों से देखती रही। मैंने एक टॉफ़ी खोलकर उसे दी। उसने पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने टॉफ़ी उसके मुँह की तरफ बढ़ाई तो उसने अपनी खूबसूरत सुर्ख ज़ुबान निकाल कर टॉफ़ी को 2 बार चखा, फिर ज़रा तजब्ज़ुब से टॉफ़ी मुँह में डाल ली। मैं नरमी से उसके रेशमी बालों पर हाथ फेरने लगा। मैंने ज़िंदगी में कई कत्ल किए थे, ताहम इस मासूम लड़की को कत्ल करते हुए मेरा दिल डोल रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे थोड़ा सा बेरहम बनना पड़ेगा। ये लड़की ज़िंदा रहती तो शायद बहुत से लोगों को मरना पड़ता। मर्दों, औरतों और बच्चों की अनगिनत लाशें इस कॉलोनी के गली कूचों में बिखरी नज़र आती। मैंने जेब में मौजूद सारी टॉफियाँ और 2 बड़ी चॉकलेट्स उसे खिला दी। ये खाने पीने की आखिरी चीज़ें थी जो उसके हलक से नीचे उतर रही थी। राफे की बीवियाँ मेरे सामने मशरूब रखकर बाहर जा चुकी थी। एक बहुत दोशीदा दूसरे कमरे में चली गई थी। दूसरी किसी उदास बकरी की तरह सर झुकाए बैठी थी। उसका रुख खिड़की की तरफ था। मैंने मौका गनीमत जाना। पलक झपकते में मैंने बॉब लड़की की गर्दन अपने दाएं बाजू की मखसूस गिरफ्त में ले ली। इससे पहले कि वो कुछ समझती मैंने एक बेरहम झटका दिया। उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की मध्यम आवाज़ मेरे कानों में आई। उसका जिस्म एकदम तड़प कर मचला। इससे पहले कि दूसरी लड़की मेरी तरफ देख पाती मैं मकतूल लड़की को बाजू की गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। दूसरी लड़की ने सिर्फ इतना देखा कि उसकी साथी कटे हुए शहतीर की तरह धड़ाम से बिस्तर पर गिरी और ऐंठ कर साकित हो गई। जिंदा लड़की के हलक से डरी डरी आवाज़ें निकली और वो एक गोशे में सिमट गई। उसकी आवाज़ें सुनकर राफे की बीवियाँ और 2 मुलाजमाएँ भागी हुई आईं। मैंने उन्हें इशारों से बताया कि राफे की होने वाली दुल्हन अचानक गिर गई है।
वो उसे हिलाने झुलाने लगी। एक उसकी हथेलियों की मालिश करने लगी, दूसरी पानी के लिए दौड़ी। उनमें से कोई भी नहीं जानती थी कि भेंट के लिए पाले जाने वाली बेनाम बॉब दोशीजा अपनी भेंट चढ़ चुकी है। औरतों को उनके हाल पर छोड़कर मैं धीमे कदमों से बाहर निकल आया। लड़की के मरने से वो मसला ख़त्म हो गया जिसने करीबन 30,000 कबायलियों की ताकत में आनन फानन दरार डाल दी थी। इस मसले की वजह से कबायलियों के दिल में साईं अली की गैरमशरूत वफादारी में जो फ़र्क आया था वो भी अक्सर ख़त्म हो गया। मजीद बेहतरी यूं ही कि उसी रात 11 बजे के लगभग बोकार्डो ने कबायलियों के जमे गफीर के सामने एक नहायत मौसर तकरीर की। उस तकरीर ने इस जमे गफीर के दिलों से शक व शुबहात दूर करके उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब कर दिया और उनके सारे जोश और गज़ब का रुख ट्रस्ट की तरफ फेर दिया। अगला रोज़ भी खैर खैरियत से तुलू हुआ और दोपहर तक पहुंच गया। ट्रस्ट और इंतज़ामिया की तरफ से शदीद हमले की खबर गलत साबित हो गई। यूं लगता था कि इन लोगों को भी कॉलोनी की बदली हुई सूरत हाल का इल्म हो गया है। सुपहर 3 बजे के लगभग 3 हेलीकॉप्टर फिज़ा में नमूदार हुए। यकीनन उन्होंने अपने नीचे सहरा नशीनों का एक अजीम शान इज्तिमा देखा। वो कुछ फासला रखकर इस इज्तिमा के इर्द गिर्द चकराते रहे और फिर दूर चले गए। यकीनन वो बाकी सहरा का नक्शा देखने गए थे। कॉलोनी की तरफ आने वाले मुख्तलिफ रास्तों पर लारसियों और दीगर कबायलियों की आमद हनूस जारी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई टोली बुलंद आवाज़ से नारे लगाती हुई अजीम शान हजूम में शामिल हो जाती। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर फिर वापस आ गए। उन्हें देखकर हज़ारों कबायलियों ने अपने हथियार हवा में लहराए और नारेबाजी की। हेलीकॉप्टर बहुत नीची परवाज़ नहीं कर रहे थे, शायद उन्हें फायरिंग का भी खौफ था। बुलंदी से ही उन्होंने ताकतवर लाउड स्पीकरों के जरिए मकामी ज़ुबान में हजूम को कुछ हिदायत देनी शुरू कर दी। बस 2-3 ही फ़िक्रे थे जो बार बार दोहराए जा रहे थे। मोमल ने बताया कि हजूम को मुंतशिर होने के लिए कहा जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि अगर किसी ने कानून के मुजरिमों को पनाह देने की कोशिश की तो हुकूमत उनके साथ नहायत सख्ती से निपटेगी। मैंने मोमल से पूछा, तुम्हारे ख्याल में मुजरिम कौन लोग हैं? हम सब जिन्होंने किंग के लख्ते जगर को अगवा किया और अपने पास रेगमाल रखा। यानी असली को रेगमाल बनाने वाले मुजरिम हैं और सैकड़ों हज़ारों लोगों को सारी ज़िंदगी के लिए ग़ुलाम बनाने वाला बर्दा फरोश हुकूमत के इंतज़ामी की गोद में बैठा हुआ है। मोमल सर हिला के रह गया। अचानक वही हुआ जिसका ख़तरा था। एक तरफ से तड़ तड़ की खौफनाक आवाज़ें आईं। एक हेलीकॉप्टर पर 2 भारी घरों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर के एक हिस्से से धुआं बुलंद होने लगा और वो एक तरफ को झुक गया। इस वाक़े के फौरन बाद हेलीकॉप्टर तेज़ी से वापस मुड़ गया। ज़ख्मी हेलीकॉप्टर वाज़े तौर पर एक तरफ झुका हुआ था और अपने पीछे धुएं की लंबी लकीर छोड़ता चला जा रहा था। किसी वक्त तो यूँ लगता था कि वो किसी बुलंदोबाला खजूर के दरख्त या पाम से जा टकराएगा। कुछ ही देर बाद तीनों हेलीकॉप्टर्स निगाहों से ओझल हो गए और उनकी आवाज़ भी मौदू हो गई। करीबन 30,000 सियाफामों का जोशो खरोश उरूज पर था। वो एक सैलाब बेआमा की तरह मारिया ट्रस्ट की तरफ यलगार करना चाहते थे। इसी दौरान मेरी निगाह बोकार्डो पर पड़ी। वो कुछ लारसी सरदारों से बातें कर रहा था। वो उन्हें समझा रहा था कि वो अपने अपने कबीले और गिरोह के लोगों को अपने काबू में रखने की कोशिश करें। मैं और मोमल भी बोकार्डो के पास चले गए। पिछले एक दो वाक़ात में मेरा किरदार देखने के बाद बोकार्डो मुझ पर खातिर ख्वाह एतमाद करने लगा था। वो मुझे एक तरफ ले गया और बोला, हेलीकॉप्टरों पर मारितिनिया के झंडे तुमने भी देखे होंगे। इसका मतलब है कि इंतज़ामिया पूरी तरह किंग का साथ दे रही है और अब हेलीकॉप्टर पर फायरिंग के बाद ये इंतज़ामिया और भी मुश्तैल हो जाएगी। ये बात तो यकीनी है जनाब, मैंने तायद की। बोकार्डो ने कबायलियों के हजूम की तरफ इशारा किया। ये लोग बहुत बिफरे हुए हैं लेकिन सिर्फ जोश के ज़ोर पर ट्रस्ट और इंतज़ामिया की मुश्तरक ताकत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बेशक ये बहुत बड़ा और पुरजोश हजूम है लेकिन अगर पुलिस इस हजूम पर गोली चलाने पर आमादा हो गई ना तो लाशें भी अनगिनत ही गिरेंगी। क्या आप चाहते हैं कि अब यह हजूम ट्रस्ट की तरफ पेशकदमी ना करे? नहीं, पेशकदमी तो मैं भी चाहता हूँ लेकिन इसके साथ मैं बेगुनाह लारसियों की जानें भी बचाना चाहता हूँ। बोकार्डो की ख्वाबनाक आंखों में उलझन के गर्दाब थे। उलझन में डूबकर मैं भी अपनी रहायशगाह पर वापस आ गया। परेशानी में मैं अक्सर गजाला से मशवरा कर लिया करता था और मैंने महसूस किया था कि वो अच्छी डॉक्टर होने के अलावा एक अच्छी मुशीर भी है। हमने शाम की चाय अपनी रहायशगाह की छत पर पी। यहाँ से कॉलोनी के पुख्ता मकाना दूर तक नज़र आते थे और उससे आगे हद निकाह तक खैमा बस्तियाँ दिखाई देती थी। अपने अपने ठिकानों की शनाख्त के लिए मुख्तलिफ गिरोहों ने झंडे वगैरह भी लगा रखे थे। कहीं लंबे लंबे बाँसों पर मुख्तलिफ अशिया लटका दी गई थी ताकि एक ही जैसे हजूम के खैमों को अपनी मंजिल तलाश करने में आसानी हो। 3 रोज़ पहले ट्रस्टियों ने असली को छुड़ाने के लिए जो खौफनाक अटैक किया था उसमें हमारी रहायशगाह का एक हिस्सा तकरीबन तबाह हो गया था। उस हिस्से की तामीर नौ का काम भी साथ साथ जारी था। चाय पीते हुए मैंने गजाला से अपनी परेशानी का जिक्र किया और बोकार्डो की परेशानी भी बयान की। गजाला बोली, आपके अंदेशे बजा हैं। इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट के साथ है। हेलीकॉप्टर पर फायरिंग के वाक़े के बाद इंतज़ामिया और पुलिस का रवैया कबायलियों के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त हो जाएगा।
हुजूम बेशक बहुत बड़ा है, मगर जितना भी बड़ा हुजूम है इतनी ही ज़्यादा हलाकतों का भी ख़दशा है। फिर क्या होना चाहिए? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि इस मसले की चाबी भी साईं अली के पास ही होगी। लेकिन उस चाबी का क्या फ़ायदा जब ताला ही तोड़ना पड़े? आपने भी तो हमेशा साईं से उखड़े लहजे में ही बात की है, ज़रा प्यार मोहब्बत से काम लेने की कोशिश करें, हो सकता है फ़ायदा हो जाए। तुम्हारा मतलब है कि मैं उसके कदमों में बैठकर उसकी पिंडलियाँ दबाना शुरू कर दूँ? लेकिन वैसे ना भी करें जैसे आप करते हैं, साईं की सलाहियतों से इनकार करना हम में से किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, और मेरे ख्याल में आपके लिए भी नहीं है। 10-15 मिनट बाद मैं एक मरतबा फिर साईं की तरफ जा रहा था। इस बार सफदर मेरे साथ नहीं था। सरोज ने एक बार फिर साईं तक मेरी रसाई में मदद दी। साईं कैलूला कर रहा था, हालांकि शाम हो चुकी थी मगर वो अब तक सोया हुआ था। अगर उसकी बाकी करामात को नज़रअंदाज करके सिर्फ उसके सोने का ही अंदाज़ देख लिया जाता तो उसे साहिब करामत माना जा सकता था। वो सर नीचे और टांगे ऊपर करके सोया हुआ था, चोला उलट गया था और उसकी मैली कुचैली चड्डी और फटी बनियान नज़र आ रही थी। कमरे में बाकायदा उसके खराटे गूंज रहे थे। साईं अली, मैंने उसे 2-3 बार पुकारा लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो मैंने झल्ला के ज़ोर से कहा, साईं अली। वो धड़ाम से नीचे गिरा और अपनी लाल लाल आँखों से मुझे घूरने लगा। तुम इतनी ज़ोर से क्यों बोले हो? मैंने अपनी झल्लाहट पर काबू पाते हुए नरम लहजा अख्तियार किया। मैं गलती पर माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत देर से पुकारा था लेकिन तुम सुन नहीं रहे थे। झूठ बोलते हो तुम, तुमने सिर्फ 3 बार पुकारा और मैंने सुना है। तो फिर बोले क्यों नहीं थे? बेवकूफ़, मैं सो रहा था। अच्छी बात है, सो भी रहे थे और सुन भी रहे थे। मैं सोते हुए भी सुनता हूँ और सुनते हुए भी सोता हूँ। बड़ा अच्छा सपना देख रहा था, परिस्तान में नए इलेक्शन का ऐलान हुआ है, वोटर की उम्र कम से कम 250 साल से 200 साल कर दी गई है, और 200 साल का जिन तो बस बच्चा ही होता है, बच्चा और वो भी जिन का बच्चा, इलेक्शन मजाक बनकर रह जाएंगे। बहरहाल नौजवान जिन इस ऐलान पर बहुत खुश थे और बाज़ारों में हम उम्र परियों के साथ होशरुबा रक्स कर रहे थे। इतनी देर में तूने आके जगा दिया। साईं, तुम इतने बेखबर नहीं हो जितना बनते हो, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम हम सबसे ज़्यादा ही जानते हो। गुजरने वाले हर मिनट के साथ हालात संगीन होते जा रहे हैं। अभी से पहर के वक्त हेलीकॉप्टर पर फायरिंग का वाक़ हुआ है, हो सकता है हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया हो। डर इस बात का है कि किंग ब्राउन मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर कबाइलियों को तहस नहस कर डालेगा। किंग का रास्ता बस एक ही बात ने रोक रखा था कि हम असकी हमारी तहवील में था, अब असकी भी हाथ से निकल गया। मादी चीज़ों पर क्यों भरोसा करता है? मादी चीज़ें तो हाथ से निकल जाती हैं। बहरहाल अब क्या चाहते हो? इस मसले का हल। इस मसले का हल मुर्गी के नीचे है। मुर्गी के नीचे क्या मतलब? घामड़। मुर्गी के नीचे का मतलब है मुर्गी के नीचे, 7 वाले कमरे में जो मुर्गी बैठी है उसके नीचे। तुम फिर मजाक कर रहे हो साईं। मजाक नहीं कर रहा, जाके देख। साईं ने आंखें निकाली। चारों नाचार मैं 7 वाले कमरे में गया। नीम तारीख गोशे में दड़बा पड़ा था। मैंने दरवाज़ा खोलकर ध्यान से अंदर झांका। नस्वारी रंग की देसी मुर्गी अंडों पर बैठी थी। मुर्गी के इर्द गिर्द भी दड़बे में कुछ नहीं था। साईं, मुर्गी के नीचे तो अंडे हैं। ओए खोते, वो अंडे नहीं तेरे मसले का हल है। मुर्गी अंडों पे नहीं तेरे मसले के हल पे बैठी है। जा वापस जा, गौर से देख। मैं समझ गया कि साईं इशारों के नाम में बात कर रहा है। अगर वो इतनी शिद्दत से एक ही बात कह रहा था तो फिर यकीनन इसमें कोई रमज था। मैं वापस उस दूसरे कमरे में गया। मैंने दड़बे का दरवाज़ा खोला। मेरा इरादा अंडों पर से मुर्गी को हटाने का था। इसी दौरान मैं सरोज चील की तरह मेरी तरफ आई। शाहजहान, ये क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? मुर्गी को अंडों पर से मत हटाना, साईं जी से मार पड़ जाएगी मुझे। वो क्यों? वो कहते हैं कि अगर मुर्गी अंडों से हट गई तो अंडे ठंडे हो जाएंगे, और अगर मुर्गी से बच्चे ना निकले तो फिर मैं तुमसे बच्चे निकलवाऊंगा। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो यकीनन हम सबको बहुत खुशी होगी। मैंने मुर्गी को गर्दन से पकड़कर दड़बे से बाहर फेंक दिया। मुर्गी के नीचे अंडे थे और अंडों के दरमियान एक छोटा सा सफ़ेद ट्रांसमीटर पड़ा था। ट्रांसमीटर देखकर मेरे दिल में उम्मीद की किरण नमूदार हुई। मैंने ट्रांसमीटर उठाया, एक खटका दबाया तो ट्रांसमीटर का बला हिस्सा खट से खुल गया। यहाँ बाकायदा माइक मौजूद था और छोटी सी रॉड भी लगी थी। मैं हैरान सरोज और परेशान मुर्गी को वापस छोड़कर साईं के पास जा पहुँचा। रॉड खींचकर मैंने एक सब्स बटन दबाया तो ट्रांसमीटर से सिग्नल जाना शुरू हो गया। साईं दिलचस्पी से मेरी तरफ देख रहा था। उसका अंदाज़ देखकर मुझे तसल्ली हुई, क्योंकि अगर मैं कोई गलत काम करता तो साईं मुझे टोक सकता था।
चंद सेकंड बाद ट्रांसमीटर से एक आवाज़ उभरी और इस आवाज़ ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। यह अमरीकी अरबपति मिस्टर जी क्लार्क की आवाज़ थी। हेलो मिस्टर क्लार्क, मैं शाहजहान बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ चंद लम्हे सन्नाटा रहा, फिर मिस्टर क्लार्क की तहैयर में डूबी आवाज़ उभरी। ओ शाहजहान, तुम्हारी आवाज़ सुनने को तो कान तरस गए थे, ओवर। इधर भी यही हाल है जनाब, हम सब आपको बहुत याद करते हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, ओवर। मैं इस वक्त केडाई में मौजूद हूँ, ये काफ़ी बड़ा शहर है और जिस जगह तुम मौजूद हो ये वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। शायद तुम्हें यह सुनकर खुशी हो कि मैं इस वक्त इस शहर के कर्ता धरता, बल्कि इस पूरे सूबे के कर्ता धरता गवर्नर मोहम्मद खाना के पास बैठा हूँ। इलाके का पुलिस चीफ और मकामी इंतजामिया के कुछ दीगर अहम अहदेदार भी यहाँ मौजूद हैं, ओवर। ये तो बहुत अच्छी बात है जनाब, हम यहाँ सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हैं। दरअसल यहाँ कबाइलियों का एक बहुत बड़ा हजूम जमा हो चुका है, अंदाजन 30 से 40 हज़ार कबायली हैं, वो बेहद मुश्तैल भी हैं। अभी चंद घंटे पहले हेलीकॉप्टर यहाँ आए थे, कबायलियों ने उन पर फायरिंग की और एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुँचा है। हमें ख़तरा है कि किंग मकामी इंतजामिया को साथ मिलाकर हम पर चढ़ दौड़ेगा, ओवर। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो और साथियों को भी तसल्ली दो, तुम्हारी तरफ के सारे हालात मेरे इल्म में हैं और पल पल की खबरें मुझे मिल रही हैं। तुम ट्रांसमीटर के करीब ही रहो, मैं चंद मिनट बाद तुम्हें खुद कॉल करता हूँ, ओवर एंड ऑल। इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया। साईं चहका, शफी मोहम्मद, तू मेरी हर बात को मजाक में लेता है, तुझसे कहा था ना, मुर्गी अंडों पे नहीं तेरे मसले के हल पे बैठी है। वैसे शफी मोहम्मद, तू है बड़ा खचरा, बर्दा फरोशों की तरह बच्चों को टाफियां खिलाता है और फिर उनकी जान ले लेता है। साईं के मायने खेज लहजे ने मुझे बुरी तरह चौंकाया, मेरा ध्यान आपो आप उस बौब लड़की की तरफ चला गया जो कल मेरे हाथों कत्ल हुई थी। मैंने बेहतर समझा कि इस मौके पर साईं के सामने खामोशी रहूं। करीबन 10 मिनट बाद सफ़ेद रंग के गोल मटोल ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ। दूसरी तरफ हसबे तवक्को मिस्टर जी क्लार्क थे। इससे पहले जब उनसे बात हुई तो पसे मंजर में कुछ लोगों की दूसरे लोगों की भी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अब मुकम्मल खामोशी थी। यकीनन क्लार्क साहब ने कहीं तन्हाई ढूंढ ली थी। उन्होंने तेज़ी से कहा, शाहजहान मैंने मकामी एडमिनिस्ट्रेशन के आला अहदेदारों से बात कर ली है, बेशक इससे पहले कुछ लोग किंग की तरफदारी कर रहे थे मगर अब सब ठीक है। आज शाम दो बड़े पुलिस अफसर फौरी तौर पर मुअत्तल हो गए हैं, बाकी बेहद मोहतात हो गए हैं, ओवर। सर ये तो बड़ी खुशी की बात है, आपने बड़े अच्छे मौके पर बड़ा अच्छा कदम उठाया है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह अचानक आपकी आना से तवज्जो हमें हासिल हो जाएगी। मेरे ख्याल में आप रहनुमाई करने की बेहतरीन पोजीशन में हैं, हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए, ओवर। मेरे ख्याल में तो ये अमल का वक्त है शाहजहान, जितना बड़ा हुजूम यहाँ जमा हो गया है इसकी तवक्को शायद किसी को भी नहीं थी। दरअसल ये इज्तिमा एक देरीना जुल्म के ख़िलाफ़ एक कुदरती रिएक्शन है जो किंग ने यहाँ रवा रखा हुआ था, इस अजीम इज्तिमा से फ़ायदा ना उठाना सरासर गलती होगी, ओवर। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों को ट्रस्ट की तरफ मार्च की हिदायत कर दी जाए, ओवर। क्या वो इस काम के लिए तैयार हैं, ओवर। उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है जनाब, ओवर। तो ठीक है शाहजहान, साईं साहब के ज़रिए या मिस्टर बोकार्लो के ज़रिए इन लोगों को मार्च की हिदायत कर दो। हजूम के आगे चलने वाले लोग अपने हथियार तैयार रखें लेकिन इन्हें ज़ाहिर ना होने दें, और जब तक उन पर गोली ना चलाई जाए वो भी गोली ना चलाएं, ओवर। जनाब कबाइलियों के साथ औरतें और बच्चे भी हैं, क्या वो भी इस मार्च का हिस्सा बनने चाहिए, ओवर। अगर उन्होंने मार्च में शरीक होना है तो फिर बेहतर है कि वह अकब में रहें, हरावल दस्तों से उनका फासला तकरीबन एक फरलांग रहना चाहिए ताकि भगदड़ की सूरत में ये लोग नुकसान से महफूज रहें, ओवर। मार्च के हवाले से कुछ देर तक मेरे और जी क्लार्क के दरमियान गुफ्तगू हुई, फिर मिस्टर क्लार्क की हिदायत पर मैंने बोकार्लो को भी उधर ही बुला लिया। मिस्टर क्लार्क ने बोकार्लो से भी सलाह मशवरा किया, सबका ख्याल यही था कि मारिया ट्रस्ट पर एक कारी ज़र्ब लगाने का ये बेहतरीन मौका है। मिस्टर क्लार्क ने हमें अपनी तरफ से पूरी तसल्ली दी और कहा कि मकामी इंतजामी को काफ़ी हद तक होश आ गया है। सलाह मशवरे के बाद प्रोग्राम ये बना कि चंद घंटे बाद सुबह का उजाला नमूदार होते ही मार्च का ऐलान कर दिया जाए। ये तवक्को रखना फजूल था कि साईं अली हमारी हिदायत पर अमल करते हुए लोगों को मार्च का हुक्म देगा, लिहाजा फैसला किया गया कि मार्च का ऐलान मिस्टर बोकार्लो करेंगे। बहरहाल लोगों को अलर्ट रखने के लिए इसी वक्त लाउड स्पीकरों के ज़रिए ऐलान कर दिया गया कि अलग सुबह बोकार्लो की तरफ से एक नहायत अहम ऐलान किया जाएगा। जैसे तैसे रात गुजर गई, सुबह का उजाला नमूदार होते ही साईं आली की कयामगाह के सामने और इर्द गिर्द अवाम का ठाटे मारता समंदर नजर आने लगा। सैकड़ों झंडे लहरा रहे थे, बर्छियाँ उछल रही थीं और लोगों का जोशो खरोश दीदनी था। अभी सूरज नमूदार नहीं हुआ था जब मिस्टर बोकार्लो बुलंद चबूतरे पर नमूदार हुए, लोगों के जोशो खरोश में मज़ीद इजाफा हो गया। मिस्टर बोकार्लो ने अपना इकलौता हाथ फिज़ा में बुलंद किया और उसे बार बार लहराकर लोगों से दरख्वास्त की कि वो खामोश हों ताकि लाउड स्पीकरों की आवाज़ उनकी समाज तक पहुँच सके।
हुजूम बतदरीज खामोश हो गया। जब लोग पूरी तरह मुतवज्जो हो गए तो बोकार्लो ने खनकार कर गला साफ किया और बोलने के लिए अपना माइक मुंह के नज़दीक किया, लेकिन इससे पहले कि बोकार्लो के मुंह से पहला लफ्ज़ निकलता, एक तरफ से साईं आली भी नमूदार हो गया। उसका खुला लबादा सुबह की हवा में फड़फड़ा रहा था और तवील असा दाएं हाथ में था। साईं को देखकर हजारों कबाइलियों के हुजूम में मद्दोजजर पैदा हुआ और वो बुलंद नारेबाजी करने लगे। बोकार्लो ने बड़े खलूस से साईं को पेशकश की कि वो माइक पर आए और मुतरजिम के जरिए अपने अकीदतमंदों से बात करे। साईं ने नफ़ी में सर हिलाकर इनकार किया और बोकार्लो को इशारे से कहा कि वही लोगों से बात करें। बोकार्लो ने जब मार्च का ऐलान किया तो हुजूम का जोश व खरोश नुक्ता अरूज को पहुंच गया। हज़ारों सैकड़ों मकामात पर हवाई फायरिंग होने लगी। फायरिंग का शोर थमा तो बोकार्लो ने मार्च के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी। उनमें अहम हिदायत ये थी कि जब तक मुखालिफ सिम से गोली ना चलाई जाए, मार्च के शुरका भी फायरिंग नहीं करेंगे। बोकार्लो का खिताब इख्तिताम पजीर हुआ तो साईं, जो आलती पालती मारे बैठा था, अचानक अपनी जगह से उठा। उसने कबायली के हाथ से खाकस्तरी रंग का बहुत बड़ा झंडा लिया। उस झंडे को हवा में लहराया और मकामी जुबान में एक नारा मस्ताना बुलंद किया। उस नारे के साथ उसने झंडे को जो हरकत दी, उसका मतलब यही था कि लोग उसके पीछे चल पड़े। साईं के इस इशारे ने अवाम उन्नास पर वही असर किया जो बारूद पर आग करती है। गर्दो गुबार का एक तूफान उठा और 30-40 हज़ार मफलूकुल हाल कबायली हरकत में आ गए। ट्रस्ट की तरफ पैदल मार्च